नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो बच्चों टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखो बच्चों, जैसे नाम से पता चल रहा है वो रिफ्रैक्शन जो एटमॉस्फेयर के कारण होता होगा, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के अंदर देखो बच्चों, हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर क्या बच्चों बहुत सारे पार्टिकल प्रेजेंट है, जैसे एयर के, एयर के अंदर बहुत सारे गैसें होते हैं, जैसे ऑक्सीजन है आपकी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बहुत सारी क्या है मतलब की गैसें प्रेजेंट है, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट। बताओ बहुत सारी गैसेस की क्या होगी बच्चों, अलग अलग क्या होगी बच्चों आपकी डेंसिटी होगी, सभी गैसेस की क्या है अलग अलग डेंसिटी है। अलग अलग डेंसिटी होने के कारण आपके कुछ एयर क्या होगी बच्चों आपकी वाटर एयर भी होगी और क्या होगी वाटर एयर भी होगी और आपकी कूलर एयर भी होगी। जो आपका एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर के बहुत सारी एयर आपकी, उस एयर की अलग अलग क्या होगी डेंसिटी होगी, कुछ एयर आपकी हॉट होगी, कुछ क्या होगी बच्चों आपकी कोल्ड होगी। ये सारे अलग अलग चीजें प्रेजेंट होने के कारण क्या बने बच्चों आपके मीडियम अराइज होंगे। ऐसे मीडियम बच्चों आपके रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम। जैसे बच्चों जहां पे हॉट एयर प्रेजेंट होगी कैसा होगा आपका रेरर मीडियम होगा, जहां पे कूलर एयर प्रेजेंट होगी वहां पे कैसा होगा बच्चों आपका डेंसर मीडियम प्रेजेंट होगा। तो आपने पढ़ा था, मैं क्लास में पढ़ा था, यदि कोई लाइट आपकी रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है, डेंसर से रेरर में जाती है, तो उसके अंदर क्या होता है उसका जो पाथ होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। डेंसर से रेयर में जाएगी तो वो नॉर्मल के, डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल के वो दूर जाएगी और रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल के पास पास जाएगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बच्चों अलग अलग हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बच्चों आपका अलग अलग होगा। तो इसके कारण क्या होगा बच्चों आपके एटमोस्फेयर के रिफ्रैक्शन होगा, क्या होगा बच्चों एटमोस्फेयर के रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि बच्चों क्या होगा आपके बहुत सारे मीडियम प्रेजेंट होने के कारण लाइट क्या करेगी आपकी वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रेवल करेगी तो अपने पाथ से क्या हो जाएगी बच्चों ये डाइवर्ट हो जाएगी। इसके कारण क्या होगा बच्चों आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हमें क्या देखते हैं बच्चों, ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपका व्हाई डू स्टार ट्विंकल। यहां से क्वेश्चन बनता है आपका व्हाई डू स्टार ट्विंकल। अभी हमने पढ़ा हमारी एयर के अंदर क्या है बहुत सारे पार्टिकल प्रेजेंट हैं, एयर प्रेजेंट है और अलग अलग डेंसिटी की एयर प्रेजेंट है, उसके कारण क्या होगा बच्चों आपके अलग अलग मीडियम प्रेजेंट हो गए। जैसे बच्चों मंजूर करते हैं यहाँ पे कोई अर्थ है आपकी और यहाँ पे क्या बच्चों आपका स्टार है, स्टार से क्या आ रही है बच्चों लाइट आ रही है, दीज आर दी रेज विच आर कमिंग फ्रॉम द स्टार। ये कोई रेज है बच्चों जो स्टार से आ रही है, यहां पे कोई ऑब्जर्वर है जो उसको क्या कर रहा है बच्चों ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। यदि ये सारी सारी रेज इसके ऊपर गिरती हैं तो इसको स्टार क्या दिखाई देगा बच्चों ब्राइट दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा बच्चों ब्राइट दिखाई देगा। लेकिन आपका अलग अलग मीडियम प्रेजेंट होने कारण, अलग अलग मीडियम प्रेजेंट होने कारण हो सकता है ये लाइट आपकी यहाँ पे जैसे आपका डेंसर मीडियम है यहां से यहां ट्रेवल करेगी, यहाँ का मीडियम अलग है, हो सकता है ये लाइट आपकी डाइवर्ट कर जाए, हो सकता है ये लाइट आपकी डाइवर्ट कर जाए। ये तीनों लाइट आई इसके पास, यदि इसके पास सिर्फ तीन ही लाइट आ रही है तो अब क्या होगा बच्चों, ये तीन लाइट आने के कारण ये क्या होगा ब्राइटनेस क्या हो जाएगी इसकी लो ब्राइटनेस हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों लो हो जाएगी। नेक्स्ट में हो सकता है बच्चों ये भी क्या कर जाए यहाँ से डाइवर्ट कर जाएगी, अब लाइट क्या हो जाएगी और कम हो जाएगी तो ब्राइटनेस क्या होगी बच्चों इसकी कम होगी। सेकेंड चांस में हो सकता है बच्चों यहाँ पे दोबारा से फिर से लाइट आने लग जाएगी रिफ्लेक्शन के कारण, ठीक है, मीडियम चेंज होगा तो लाइट ज्यादा स्पीड है।
तो कभी ब्राइटनेस क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी, कभी क्या होगी बच्चों, कम होगी। तो जो ऑब्जर्वर के पास लाइट आ रही है कभी कम आ रही है, कभी ज्यादा आ रही है। तो ऐसा होने के कारण इसके पास क्या बच्चों, तारा कैसा दिखाई देगा, उसको चमकता हुआ दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा बच्चों, चमकता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट है बच्चों आपका इसी के अंदर, Why do planets do not travel? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, Why do planets do not twinkle? Planets twinkle क्यों नहीं करते? देखो बच्चों, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे बच्चों हमने माना तारे को क्या है, पॉइंट सोर्स है। कैसा सोर्स है बच्चों आपका, पॉइंट सोर्स है। और प्लैनेट को माना बच्चों हमने बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बनाए, ठीक है। स्टार क्या बच्चों आपका, ये पॉइंट सोर्स है। और प्लैनेट है बच्चों आपका बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना, ठीक है। यदि बच्चों किसी पॉइंट की ब्राइटनेस कम होती है तो ब्राइटनेस बच्चों कोई दूसरे पॉइंट के द्वारा अटेन कर ली जाएगी। मान लो बच्चों इस पॉइंट की ब्राइटनेस कम हुई तो हो सकता है इसकी ब्राइटनेस बढ़ चुकी है, इसकी कम हुई तो किसी और पॉइंट की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल पॉइंट ब्राइटनेस में बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ओवरऑल ब्राइटनेस में बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो टोटल ब्राइटनेस क्या रहेगी बच्चों, इसकी सेम रहेगी। एक रीजन तो बच्चों ये हो सकता है। सेकेंड क्या बच्चों, जो स्टार्स हैं आपके वो अर्थ से क्या बच्चों, बहुत ज्यादा दूर है, और ये क्या बच्चों अर्थ के नियर बाई है। तो इनके अंदर रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए ये हमें क्या दिखाई देते हैं, ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। और स्टार के अंदर इतना ज्यादा एटमिक रिफ्लेक्शन नहीं होता है, ठीक है। थर्ड क्या हो सकता है बच्चों, स्टार की खुद की लाइट होती है। स्टार की क्या होती है बच्चों, खुद की लाइट होती है, लेकिन प्लैनेट की खुद की लाइट नहीं होती है, प्लैनेट की खुद की लाइट नहीं होती है, इसलिए बच्चों प्लैनेट में ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं देते, ठीक है। ओके नेक्स्ट टॉपिक बच्चों आपका, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमने पढ़ा बच्चों, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट डिस्पर्शन के अंदर स्कैटरिंग क्या होगा बच्चों आपका, लाइट का अलग अलग फैल जाना, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बच्चों किस पे डिपेंड करता है, देखो बच्चों एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास क्या बच्चों, एक ग्लास, क्या प्रेजेंट है बच्चों ग्लास के अंदर, वाटर प्रेजेंट। यहां से बच्चों हमने कोई लाइट सोर्स लिया, लाइट सोर्स, इस लाइट सोर्स से जैसे हम लाइट ऑन करते हैं, इसकी लाइट क्या हो जाएगी बच्चों, इसके अंदर फैल जाएगी लाइट, यहां से फैल जाएगी। मतलब हमें यहां पर जब लाइट सोर्स लिया, हमारे पास क्या था, एक वाटर था, जो हमारा क्या है, एक ट्रू सॉल्यूशन है, तो हमें लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा, नो पाथ विजिबल। लेकिन बच्चों जैसे हम इस वाटर के अंदर हम क्या ऐड करते हैं, मिल्क ऐड करते हैं, क्या ऐड किया हमने, मिल्क। तो वाटर प्लस मिल्क कैसा सॉल्यूशन बनाएंगे आपका, कोलाइडल सॉल्यूशन। कैसा बनाएंगे बच्चों, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे। जैसा कि आपको पता है सॉल्यूशन क्या होते हैं बच्चों आपके, दो टाइप के होते हैं, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। और होमोजेनियस के बच्चों अलग अलग क्या टाइप आपके, कोलाइडल है, सस्पेंशन है और आपका ट्रू सॉल्यूशन है। तो कोलाइडल के अंदर क्या होता है बच्चों में स्कैटरिंग का फिनोमिना देखने को मिलता है, ठीक है। तो मिल्क प्लस वाटर कैसा सॉल्यूशन है बच्चों आपका, कोलाइडल सॉल्यूशन है। जैसे लाइट का सोर्स आपका ऑन किया तो यहाँ पे क्या होंगे बच्चों आपके, ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, इस मिल्क के पार्टिकल्स हैं,
मिल्क के पार्टिकल पार्टिकल को जैसे लाइट टकराएगी वो क्या हो जाएगी बच्चों आपकी, स्कैटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, स्कैटर हो जाएगी और क्या बनाएगी, एक रास्ता बनाएगी। ये क्या बच्चों आपका पाथ है जो हमें विजिबल होगा, कब, जब हमने उसके अंदर क्या ऐड कर दिया, मिल्क ऐड कर दिया, और मिल्क के पार्टिकल्स पे लाइट क्या करेगी, कोलाइड करेगी और आपकी स्कैटर हो जाएगी। तो यहां से स्कैटरिंग ऑफ लाइट देख सकते हैं जब हमारा सॉल्यूशन कैसा है बच्चों आपका, कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर में आपका पाथ विजिबल होता है। तो इसको बच्चों जैसे आपका एक टिंडल इफेक्ट भी होता है, टिंडल इफेक्ट बच्चों किसी साइंटिस्ट था टिंडल, उसके नाम पे इसका नेम ऑफ द साइंटिस्ट के ऊपर इसका नाम गिरा था, टिंडल नेम ऑफ साइंटिस्ट है इसको बच्चों। जैसे आपका देख सकते हैं, आप किसी फॉरेस्ट के अंदर देख सकते हैं, फॉरेस्ट के अंदर जो आपके लार्ज लार्ज ट्रीज होते हैं उनके बच्चों जो पार्ट्स ऊपर से सनलाइट आते हैं तो वहां पे अलग अलग सेल के हुए कोलाइडरी आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट देख सकते हैं, या किसी रूम के अंदर देख सकते हैं जो आपका उस कमरे के अंदर लाइट एंटर करी है, जैसे वो डस्ट पार्टिकल होंगे, डस्ट पार्टिकल पे आपकी जो लाइट टकराएंगी तो क्या हो जाएगी बच्चों आपकी, फैल जाएगी। ठीक है, वहां पे हम इसको देख सकते हैं। ये क्या था बच्चों आपका टिंडल इफेक्ट, वहां पे आपको लाइट दिखाई दे सकती है। अब देखो बच्चों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करता है बच्चों आपका, इट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द सोर्स। डिस्टेंस ऑफ द सोर्स का मतलब क्या बच्चों, जैसे बच्चों मेरे पास ये टॉर्च लाइट है, ये मेरा हाथ है, यदि मैं कोई टॉर्च लाइट इस हाथ पे यहां से मारता हूं तो यहां पे बच्चों एक पॉइंट सोर्स होगा, ठीक है, बिल्कुल नजदीक, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको दूर लेकर जाऊंगा इसकी स्कैटरिंग क्या हो जाएगी बच्चों आपकी, फैल जाएगी, मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा। डिस्टेंस जैसे भी आपका क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा तो आपकी स्कैटरिंग भी क्या करेगी बच्चों आपकी, इंक्रीज करेगी। क्या करेगी बच्चों, स्कैटरिंग भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, स्कैटरिंग इंक्रीज करेगी और इंटेंसिटी क्या होगी बच्चों आपकी, डिक्रीज होगी। इंटेंसिटी क्या होगी बच्चों आपकी, घटेगी। इंटेंसिटी मतलब क्या बच्चों, जो ब्राइटनेस है आपकी या जो जितनी चमक यहाँ पे होगी तो जितना हम इसको दूर लेकर जाएंगे इस सोर्स की लाइट इसके ऊपर नहीं गिरेगी, उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों आपकी, कम हो जाएगी, मतलब डिस्टेंस बढ़ने से स्कैटरिंग क्या होगी बच्चों हमारी, बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बच्चों आपका, विवगर हमने पढ़ा था, विवगर हमें पता बच्चों जैसे हम लाइट के क्लोज जाते हैं वेवलेंथ क्या करती है बच्चों आपकी, इंक्रीज करती है। वेवलेंथ क्या करती है आपकी, इंक्रीज करेगी। जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी स्कैटरिंग क्या होगी बच्चों, उतनी ही लेस होगी, लेस स्कैटरिंग होगी। इसकी वेवलेंथ क्या बच्चों आपकी, लेस है और स्कैटरिंग क्या होगी बच्चों, इसके अंदर ज्यादा होगी, स्कैटरिंग क्या होगी बच्चों आपकी, ज्यादा होगी। ठीक है, यदि डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्कैटरिंग भी क्या होगी बच्चों आपकी, इंक्रीज होगी। वेवलेंथ बढ़ेगी तो स्कैटरिंग क्या होगी बच्चों आपकी, कम होगी। तो इसी कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, व्हाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, व्हाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। कलर ऑफ स्काई कैसा बच्चों आपका, ब्लू है। अब देखो बच्चों, जैसे बच्चों आपका ये सन है, ये क्या बच्चों आपका अर्थ है, और यहां पे क्या बच्चों आपका, अर्थ का दो एटमोस्फेयर, यहां से बच्चों आपका सन है, सन से क्या आ रही बच्चों आपकी, लाइट आ रही है। ठीक है, जैसे जैसे बच्चों सन से लाइट आएगी डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्कैटरिंग क्या होगी बच्चों आपकी, इंक्रीज होगी, स्कैटरिंग क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। तो सबसे पहले आपका कौन सा कलर स्कैटर करेगा, वॉयलेट, कौन सा करेगा बच्चों आपका, वॉयलेट स्कैटर करेगा। ठीक है, वॉयलेट स्कैटर करेगा,
उसके बाद कौन गया बच्चा आपका इंडिगो स्कैटर करेगा। लेकिन जैसे ही ब्लू वाला नंबर आता है तो ब्लू भी क्या करता है बच्चा आपका स्कैटर कर देता है। अब ब्लू स्कैटर करता है तो ये हमारा एटमॉस्फेयर में कैसा दिखाई देगा बच्चों आपका ब्लू कलर का दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा बच्चों ब्लू। और ये जो आपके कलर हैं ये स्कैटर नहीं करते हैं, इनको स्कैटर करने के लिए डिस्टेंस ही नहीं मिलता है। मतलब पहले क्या होता है बच्चों आपकी लाइट आपके एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर लेती है, ठीक है। तो ये कलर आपके ग्रीन येलो ऑरेंज रेड ये स्कैटर नहीं करते हैं। तो बच्चों इसलिए हमें आसमान कैसा दिखाई देता है बच्चों आपका ब्लू दिखाई देता है, ठीक है। क्योंकि आपके वॉयलेट और इंडिगो वेवलेंथ कम होने के कारण क्या कर सकते हैं वो स्कैटर कर जाते हैं। और ब्लू जब स्कैटर करता है तो आपका आसमान कैसा दिखाई देता है ब्लू दिखाई देता है। और ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड स्कैटर ही नहीं कर पाते हैं इसलिए इनका हमें आसमान के अंदर कलर दिखाई नहीं देता है। तो इसी के अंदर क्वेश्चन बनता है बच्चों आपका Why the color of sun at sunrise is red? मतलब सनराइज के समय सन का कलर आपका आसमान का कलर रेड क्यों दिखाई देता है बच्चों आपका। अब देखो बच्चों कलर ऑफ सन एट सनराइज। अब देखो बच्चों जैसे बच्चों आपका ये सन है, यहां पे क्या बच्चों आपकी अर्थ है, सन जब राइज हो रहा है बच्चों तो यहां पे डिस्टेंस क्या आपका मैक्सिमम, डिस्टेंस क्या बच्चों आपका मैक्सिमम है। और हमने अभी पढ़ा था अधिकतम डिस्टेंस बढ़ेगा स्कैटरिंग क्या होगी बच्चों आपकी इंक्रीज होगी, डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्कैटरिंग क्या होगी बच्चों इंक्रीज होगी। तो बच्चों आपकी विव क्योर के हिसाब से सारी लाइटें आपकी क्या होती है बच्चों स्कैटर हो जाती है, लेकिन रेड सबसे लीस्ट स्कैटर होती है। रेड क्या होती है बच्चों सबसे कम स्कैटर होती है। तो डिस्टेंस मैक्सिमम होने के कारण सारी लाइटें स्कैटर हो जाती हैं और रेड लाइट आपकी सबसे कम स्कैटर होती है। तो हमें कलर कैसा दिखा देगा बच्चों आपका रेड कलर का रेड कलर दिखाई देगा मॉर्निंग और इवनिंग के समय, ठीक है। यहाँ पे बच्चों एक क्वेश्चन और हो सकता है आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन था आपका हमें सन आपका पहले समय से पहले क्यों दिखाई देता है, समय से बाद में क्यों दिखाई देता है। मतलब देखो एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। देखो बच्चों ये क्या बच्चों आपकी अर्थ है, ये आपका ओरिजिन है, ये क्या बच्चों आपका सन है। सन जैसे बच्चों मॉर्निंग में उगता है निकलता है तो बच्चों सन के निकलने से पहले ही सन की लाइट क्या हो जाती है आना स्टार्ट हो जाती है। सन तो यहाँ पे है लेकिन लाइट तो इसकी निकल रही है, ओरिजिन से ऊपर जाएगा तभी तो हम क्या बोलेंगे सनराइज हो चुका है, लेकिन लाइट तो पहले व्यारी है। तो लाइट क्या हो जाएगी बच्चों आपकी ये एटमोस्फेरिक इफेक्ट के कारण इस तरीके से ट्रेवल करेगी। तो पहले हमें लाइट क्या होती है बच्चों दिखाई दे जाती है, तो हमें इस तरीके से बच्चों आपका जैसे कोई लाइट आई टकराई इस तरीके से या पहुंचती है, ये क्या बच्चों इसकी ओरिजिनल पोजिशन है और ये क्या बच्चों इसकी अपेरेंट पोजिशन है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण हमें सन क्या दिखाई देता है बच्चों पहले दिखाई देता है। और सेम होता है बच्चों आपका जब आपका सनराइज होता है सनसेट होता है, सनसेट होगा बच्चों सन तो सेट हो चुका है लेकिन लाइट इसकी जा रही है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण लाइट आपकी बच्चों यहाँ पे टकराती है और हमें इसकी ये क्या अपेरेंट पोजिशन दिखाई देती है और ये क्या बच्चों इसकी ओरिजिनल पोजिशन है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण ही ऐसा होता है। तो ये था बच्चों आपका टॉपिक आज के, जो इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। फिर भी इस चैप्टर में इन टॉपिक्स में किसी को डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।